हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये व्लॉग है आप लोगों के लिए, और आप लोग मेरी आंखों की हालत देख सकते हैं कितनी बेकार है। इस वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा, कोई वीडियोस नहीं आ पा रही है, और आई फ्लू एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है यहाँ पर। एंड बस मैं आप लोगों से क्या कहूँ, बिल्कुल सेफ थे हम लोग, घर में थे, कहीं बाहर जाना आना इतना हो नहीं रहा था हम लोगों का। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल परमानेंटली जा रहे थे, तो इस वजह से ऐसा हो गया कि पहले मेरी छोटी बेटी को आई फ्लू हुआ, एंड उसको होने के बाद में थोड़ा थोड़ा उसको जैसे ही रिकवर हुआ तो मेरी जो बड़ी बेटी है उसको हुआ, एंड वो अभी ठीक भी नहीं हो पाई थी कि अब मुझको हो रहा है ये आई फ्लू। तो अब देख सकते हैं मेरी एक आँख से पानी निकल ही रहा है, सेकेंड आँख से भी पानी आ रहा है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा खट, जैसे कुछ आँख में पड़ जाता है तो खटक सी होती है, तो वो चुभन सी होती है, तो वो इस आँख में बहुत हो रही है। और ये वाली आँख तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद ही हो चुकी है। तो इस वजह से आई फ्लू बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, और स्कूल्स में ज़्यादातर बच्चों को हो रहा है, और फिर और पता नहीं स्कूल वाले भी ऐसे हैं कि अगर जिसको आई फ्लू हो रहा है तो उसको आप मना कीजिए स्कूल आने से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बच्चे भी स्कूल में आ ही रहे हैं। और आप मेरा आई फ्लू देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब पानी आ ही रहा है साग से मेरे। एंड तो बस मेरी इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही है, क्योंकि इस वक्त मैं थोड़ा सा काम में उलझी हुई हूँ, तो जिस वक्त मुझे वक्त मिल जाता है मैं डाल देती हूँ, बट अब फ़िलहाल इस वक्त मैं नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो हैं वो कमेंट मुझे करते हैं कि वीडियोस आपकी परमानेंट नहीं आती है, तो बस इसी वजह से नहीं आ पा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम ऐसा है कि नहीं आ रही है मेरी। और आप मेरी आँखों की हालत देख सकते हैं, एंड तो आई फ्लू से बचने की जो सोल्यूशन है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देना चाहती हूँ, कि अपने बच्चों को अगर आप स्कूल भेजें तो आई फ्लू, जब भी आप अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजें ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी पानी आ रहा है, मुझे स्कूल भी नहीं जा रहा। तो जब भी आप अपने बच्चों को स्कूल वगैरह में भेजें तो इस तरीके से भेजें कि सैनिटाइज़र वगैरह भेजें। मैं भी भेजती हूँ अपने बच्चों के साथ में, सैनिटाइज़र होता है और पेपर सोप वगैरह होता है, लेकिन हुआ ये कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, एक तो नर्सरी क्लास में है एनसी में और एक फर्स्ट सेकेंड क्लास में है, तो इतना ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वो बार बार सैनिटाइजर से अपना हाथ क्लीन करें या कुछ करें। और रही बात मेरी, तो मैंने भी उनकी आई ड्रॉप, डॉक्टर ने कहा था कि जब भी आप किसी पेशेंट को आपके घर में है तो आप उनके आँख में आई ड्रॉप डालें, तो अपने हाथों में सैनिटाइज़र ज़रूर लगा लें, तो लगाने से पहले और लगाने के बाद ज़रूर अपने हाथ सैनिटाइज़र से धो लें। मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में जब मेरी छोटी बेटी को हुआ तो बहुत ध्यान और केयरफुली से करा, सेकंड बेटी को जब हुआ तब भी मैं यही कर रही थी, बट रात में मैंने जब उसके आँख में दवाई डाली तो मैंने सैनिटाइज़र से हाथ लगाना, धोना या वॉश करना भूल गई, और इस वजह से मुझे भी आई फ्लू हो गया। और जबकि मैं परमानेंट जो हूँ आई फ्लू की दवाई, जैसी मुझे आँख में कुछ रेडनेस सी हुई मैं डाल रही थी, बट उसके बावजूद भी मेरी आँख इतनी ज़्यादा फूल गई, और मतलब बिल्कुल फूल ही गई है आँख मेरी आई फ्लू की इसकी वजह से। तो आज तो काम वाम करना भी दुश्वार है, जैसे ना तैसे नाश्ता वगैरह बनाया मैंने, और खाना वाना तो देखती हूँ बाहर बाहर से हो जाएगा कुछ, या देखती हूँ क्या है क्या नहीं, बाकी काम वगैरह जो है छुटपट तो वो तो करनी पड़ते चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, तो इस वजह से। एंड उसके बाद जो है आई फ्लू, जब भी हो तो आप आई फ्लू से जैसे सेफ रहें, अगर बार बार अपने फेस को वॉश कीजिए पानी से, ठंडे पानी से अपनी आँखों की सिकाई कीजिए, वॉश कीजिए, एंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए अपने हैंड में, और जब भी बाहर निकले तो ग्लासेस लगा के निकलें। और अगर आपको आई फ्लू की शिकायत हो रही है तो फ़ौरन ही डॉक्टर को दिखाएं। अब मैं जाऊंगी इसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए,
क्योंकि कल से मुझे हो रही थी, बट वो थोड़ी थोड़ी सी थी, घर में दवाई थी तो वही डाली, तो उसका कुछ असर नहीं हुआ आँख पे और मेरी आँख फूलती चली गई। बहुत परेशानी होती है, आँख में पानी आता है, आँख में आपको सोते वक्त आपकी आँख चिपक जाती है। सुबह मेरी दोनों आँख खुल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से खुली हैं मेरी आँखें एंड इस वक्त तो। और बस आप लोगों से क्या कहूँ, और बार बार अपने आँखों को ठंडे पानी से सिकाई कीजिए, वॉश कीजिए एंड जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड और अगर आप लोगों को हो जाए आई फ्लू अगर बाय चांस, तो तभी आप अपने आँख में जो हैंकी का यूज़ कीजिए। तो वो हैंकी जो है आप लोग डेली आप वॉश कीजिए किसी डेटॉल वगैरह में, और हैंड जब भी आप अपने आईज़ को टच करें सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ कर लें। और आपके घर में छोटे छोटे से बच्चे होंगे तो उनसे दूर रहें, और कोशिश यही बनाए रहें कि आप उनसे दूर रहें। ख़ास तौर से मम्मीज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाती है अपने बच्चों से दूर रहना, क्योंकि हो ही नहीं सकता इस तरीके से, तो थोड़ा बहुत केयरफुल रहें उनके साथ में और ज़्यादा टची ना हो। एंड डॉक्टर जिस हिसाब से आपको दवाई बताया आप उस हिसाब से दवाई कीजिए, एंड सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप ठंडे पानी से इसको बार बार वॉश कीजिए एंड ये 4-5 दिन में तो आई थिंक कि चला ही जाएगा अब, क्योंकि मेरी छोटी बेटी का तो 2 ही 3 दिन में ठीक हो गया था एंड बड़ी बेटी भी माशाल्लाह से 2 दिन में 3 दिन में ठीक होगी। अब मैं देखती हूँ कितने दिन में मेरा जाता है ये, तो इस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही है, घर में कुछ परेशानी है तो बस। बाकी आप मेरी आँख देख ही रहे हैं किस हिसाब से मेरी आँख हो चुकी है, तो बस आई फ्लू के लक्षण भी यही होते हैं कि आपके आँख से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके आँख में हल्की फुल्की सबसे पहले आपके आँख में जो होगा ना वो ऐसी खटक सी होगी, जैसे चुभन सी होगी कि कुछ आपके आँख में है। उसके बाद में आपके आँख में हल्के फुल्का रेडनेस होगा, उसके बाद आपके आँख में इचिंग बहुत होगी, खुजली बहुत होगी एंड फिर आपकी आँख लाल हो जाएगी। एंड सेकेंड डे आप देख सकते हैं ये हाल हुआ है मेरी आइज़ का। एंड बार बार आँख को टच ना करें और ठंडे पानी से वॉश करें, और डॉक्टर के हिसाब से जो भी दवाई दे वो आप अपने आईज़ में डालें। अच्छा, इसमें नाक का भी इशू हो रहा है कि जैसे कि सर्दी की तरह हो रहा है जैसे, तो वो भी आप लोग उस हिसाब से खाएं और दवाई खाएं, और जब भी बाहर जाएं तो ग्लासेस लगा के जाएं, चाहे आपको आई फ्लू है या नहीं है फिर भी आप ग्लासेस लगा के जाएं, सैनिटाइज़र ज़रूर रखें और अपनी केयर करें। तो इसी के साथ मेरी वीडियोज़ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड जब तक कि मैं ठीक हो नहीं हो जाती जब तक के लिए वेट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है बताना ज़रूरी होता है कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। यूट्यूब ये भी बहुत देखता है कि बंदा वीडियो डाल रहा है फिर नहीं डाल रहा, तो क्यों नहीं डाल रहा, तो उसका रीज़न बताना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने बताया कि मैंने भैया मेरी आँख का ये हाल है और मैं मोबाइल इतना ज़्यादा चला नहीं सकती, तो फिर मिलते हैं जब ठीक होते हैं एंड उसके बाद जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।